एंड द होल टीम हियर, सो एनर्जेटिक, सो वाइब्रेंट, और इसी एनर्जी के साथ बढ़ेंगे आगे। हेमा मालिनी जी के करियर की अगर बात करें तो जहां उन्होंने एज एन एक्ट्रेस सक्सेस हासिल की, स्टारडम एंजॉय की, वहीं हम सब जानते हैं कि वो अपने पहले प्यार यानी डांस से दूर नहीं रह पाई। एज अ क्लासिकल डांसर, एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, शी इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव डांसर्स इन द सर्किट। और जिस तरह से वो लाइव परफॉर्म करती हैं, कई बार रियलिटी शोज में हमने देखा है, शायद हमें से कई लोगों ने उन्हें लाइव डांस करते हुए भी देखा होगा। तो क्लासिकल डांस से जो उनका प्रेम है वो आज भी जग जाहिर है। और हेमा मालिनी जी ने लेटर अपने करियर में ऑफकोर्स बाबन जैसी फिल्में तो की, लेकिन साथ ही साथ एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर भी इंडियन सिनेमा में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। आज के हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार की अगर बात करें तो शाहरुख खान को ब्रेक देने का क्रेडिट भी हेमा मालिनी जी को ही जाता है। अगला गाना एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सोलफुल मूड का गीत है, अगेन पिक्चराइज ऑन हेमा मालिनी जी। और जिस तरह से लता जी ने इस गीत को डिलीवर किया है, गाया है, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन्स अटेंशन ऑन स्टेज, शैलजा जी और पूरी टीम के साथ आइए। ये बहुत ही खूबसूरत अनमोल रचना, हम एंजॉय करते हैं। उन्होंने रस भारती के लिए 2-3 बार यहाँ परफॉर्म किया हेमा मालिनी जी ने। एग्जैक्टली, तो रस भारती संस्था हमेशा इतने उत्तम कलाकारों को बुलाती है, इसलिए मैंने कहा कि कई लोगों ने लाइव भी उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा होगा। और अगला जो गाना है, आई थिंक उनके करियर का सबसे पॉपुलर क्रिटिकल सॉन्ग अगर कहें तो यही होगा, शैलजा जी की आवाज में, आइए सुनते हैं।